सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पूल पर नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, चूल्हे में जाए फूल, फूलवारे चूल्हे में जाए। और जब मशीन में वोट पड़ेंगे तब फूले ही पे जाएंगे भैया। बेईमानी तो जीत रहे मोदी तो। मेरे को ये बताइए कि जो बूलपुर की घटना हुई थी उस वाल्मीकि लड़की के साथ, एससी समाज में उसको लेकर आज कितनी नाराजगी है? नाराजगी तो काफी है। आपकी बहन बेटी सही, हमारी सही, जब भद्रता हो रही है वो तो हर किसी के लिए है। पुलिस वाले ने जरा ही तो माँ को कोई, अब कोई सुनवाई ना जो चो जरा पुलिस वाले ने, जब कोई वो ना हो मैन मुर्दा ना हो तो फिर घर वाले ने चौना सौ बॉडी आगा। तो ऐसा कर रहा है भाई साहब, हमारा ये चंदपा थाना है और ये इतना मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, ये दलाली में इतना छाया हुआ है, गरीब आदमी से लड़ाई हो जाए तो बगैर रिश्वत के पुलिस वाले बात नहीं करते। नारा है गरीबन ने भगाओ, गरीबी मिटाओ। विजय माल्या लेके भग गया 13,500 करोड़ रुपए, किसका लेके भग गया? अगले आदमी ने कम इतना कमा लिया 13,500 करोड़ रुपए, गरीब जनता ने क्या कमाया? सब गरीब जनता ही के पैसा है। अमित शाह जी ने तो कह दी ड्राइवर की 10 साल की सजा है सर, 7,00,000 रुपये जुर्माना। अब मालिक 5,000 रुपया कोई 2,000 रुपया तनख्वाह दे रहा है ड्राइवर को। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी हाथरस लोकसभा सीट में हैं और हाथरस लोकसभा सीट के खेड़ा परसौली गांव में हैं। ये मुख्य रूप से एक जाटव गांव है, ज़्यादातर यहां पर जाटव बाहुल ये गांव है। और ये हाथरस सीट जो है एक एससी रिजर्व सीट है। बसपा के उम्मीदवार यहां पर हेम बाबू हैं, सपा के उम्मीदवार यहाँ पर जयवीर वाल्मीकि जी हैं और भाजपा से अनूप वाल्मीकि जी हैं। आइए यहाँ गाँव के जाटव समाज से पता करें इस बार चुनाव में क्या रुझान है। पिछले सालों में जाटव समाज काफ़ी हद तक बसपा के साथ या फिर बोले हाथी के साथ रहे थे, क्या इस बार भी यही रुझान है? जी नमस्कार। तो जी बात हो सकती है? बसपा के हैं। बसपा के हैं जी। अच्छा, क्या नाम आपका? भूरी सिंह। हाँ जी, थोड़ा जोर से। भूरी सिंह। भूरी सिंह। भूरी सिंह जी, भूरी सिंह जी, बताइए 10 साल ये सरकार कैसी रही है? बढ़िया रही है। गरीब ने कहा बढ़िया ना, बड़ी गरीबों के लिए बढ़िया ना, ठीक है। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं 10 किलो या 5 किलो, लेकिन राशन भैंसू ना खा रही दे रहे बाजार आए खराब है बहुत। हाँ। आओ जी, आइए बताइए। हाँ जी, क्या आपका नाम? विजय सिंह। विजय जी, क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं, तो बताइए 10 साल आप ड्राइविंग करते हैं, खुद की गाड़ी है दूसरे की गाड़ी? ना, दूसरे की नौकरी करते हैं। दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किस तरह से कैसा रहा है मजदूरों के लिए 10 साल? मजदूर 10 साल कर रहा हूँ, अब तो इतना ब्रोकर तो हमारे लिए इलेक्शन होते कि वही आनो है का जो बोली का उनने का। तो क्या करो, कछु ना करो, वो तो मत दे गरीब आदमी तो है। ड्राइवर तनखा कितनी मिलती है? काऊ मालिक तो तुम्हारे सामने बात करा देंगे, वो हमारे 32,000 3,500 रुक रहे हैं मालिक। हर एक मालिक ऐसा ना जो पैसा दे तो है। अच्छा। हाँ, हर मालिक पैसा रोका तो है। अच्छा। हाँ, और बाहू में अब अमित शाह जी ने तो कह दी ड्राइवर की 10 साल की सजा है सर, 7,00,000 रुपया जुर्माना। अब मालिक 5,000 रुपया कोई 2,000 रुपया तनखा दे रहा है ड्राइवर को। अब बताओ कहाँ थे देव? आप ट्रक चला रहे हो? और क्या, ट्रक चलाते हैं। तो नया कानून बना है, उससे बहुत परेशान है। इलेक्शन के बाद लागू होगा जो, तो इलेक्शन के बाद दब कर दिएगा क्या? हमें वोट डालेंगे? ड्राइवर ने एक बार हड़ताल करी गई, जब कहीं के हम वोट नहीं देंगे का, जब है तब दब कर रखिएगा, तो क्या है, क्या फायदा? कुछ फायदा ना करो। अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर जाटव समाज के यहाँ पर लगभग 2.5 लाख वोट हैं, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख वोट हैं यहाँ आपकी हाथरस सीट पर, किधर जा रहे हैं वोट? तो वही जाएंगे, वही बसपा पर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? हाथी पर ही जाएंगे। हाथी पर ही जाएंगे। अब बीजेपी बनी, अब देखो 10 साल में जा क्या पोत देखी है का, ऐसा कोई विधायक ना हो जात ना हो, देखो धर्मशाला ये 10 साल तो ऐसी डरी है का, जहाँ में एक ईंट ना लगाई ना, जहाँ एक प्लस्तर लगाओ। और देखो कुछ दिन बाद जो अब के चौमास में जोर गिरी बार हो, तो मतलब क्या कर रहे हैं जाटवन में, क्या करके जा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे जाटवन। क्या कर रहे हैं जाटवन? बस फ्री राशन दे रहे, फ्री राशन का मैं राशन कार्ड के लिए 10 साल तक, जब तक मेरे नाम कटो 10 शादी विवाद है 6 साल तक मेरा राशन में तो नाम कट गो, तहसील पर डोल आओ सब राशन से नाम ही कट गया। हाँ, राशन कार्ड ना मेरा बनवाओ, ऑनलाइन है पैसा फूक गए, काम छूटो वो अलग, लेकिन राशन कार्ड नहीं मेरा बनवाएगा तो क्या सुविधा है? कोई सुनवाई हो रही है का? कोई सुनवाई? तो ये बताइए कि आप कह रहे हो कि राशन कार्ड से भी नाम कट गया, ये सब है। दूसरा मुझे ये बताइए, हाथरस में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बूलपुर गांव की, जिससे एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ उसके साथ यौन शोषण भी हुआ, फिर बड़े मतलब चुपचाप उसका वो जला भी दिया गया उसके। एससी समाज में कितनी नाराजगी है उस मुद्दे को लेकर?
अब नाराजगी तो होकर जब कोई सुनवाई हो जाए तो कोई नाराजगी होगी क्या बताओ, जब सुनवाई ना है तो मैं बता अब जो बताओ हम पर पुलिस वाले ने जरा आई वो पुलिस वाले ने जरा आई तो माँ को कोई अब कोई सुनवाई ना जो चो जरा पुलिस वाले ने जब कोई वो ना हो मैन मुर्दा ना हो तो फिर घर वाले ने चो ना सौ कोई बॉडी आगा इन्हें जरा भी को मतलब का होगा। तो आपको लग रहा है कि मतलब कि ऐसी समाज की सुनवाई नहीं हो रही है सर? कोई सुनवाई ना कुछ हमन तो देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं भाई 10 साल से जो धर्मशाला डरी है का जो धर्मशाला की ना सुनवाई ऐसा कोई विधायक ना जहाँ आता ना हो हर एक विधायक तो कहता कैसा जा करवाओ जो कह ऐसा हाँ हो जाइए का कोई ना कुछ करवाया था। जाइए बेच बहने बैठी हैं बहने हैं यहाँ पर जी बहन जी एक सेकेंड ये बताइए आप इस बार क्या फूल पर जा रहे हैं? बिल्कुल ना कबू ना डर रहे हाथी पे हाथी पे ही जा रहे हैं डर रहे हाथी पे जा रहे फूल पे मशीन भी गड़बड़िया बात लगाओ वोट मोहरत लगाओ तब वोट बाप होगा। अच्छा तो अब ईवीएम मशीन पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि गड़बड़ है ना? फूल पर नहीं जा रहे? बिल्कुल ना जाएंगे चूल्हे में जाए फूलवारे चूल्हे में जाए। ठीक है तो आप बताओ आप कह रहे हो चूल्हे में जाए फूल, मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने मिट्टी के चूल्हों से हटाकर औरतों को वो दे दिया सिलेंडर के रुपया भरो जा एक एक करके बताइए के रुपया सिलेंडर भरोगे अबे पिछली बार 11 से गए आदमी मेहनत करे हो 1100 रुपया बता कितने दिन चलेगा हाँ 1100 से गो मैं तो अब बे पैसा ना आता खाते में बे कट जाता पैसा बे आवत भी ना है मैं तो का कर रहा हूँ मोदी वो बाम कट रहा तो हमार हो गया तो हमार ना तो फ्री हम तो करवायो बे महंगे कर दे मेहनत आदमी कंते भरवावे को बताओ वो तो फिर मई की मई है कहूँ हमारे का तो कोई सुविधा ना। आप मतलब जिस चूल्हे पर वापस आ गए उसी में ही कमल को भेज रहे हैं इस बार? चलिए बहुत खूब आइए जी बहन जी आपका वोट कहाँ जा रहा है इस बार? नहीं जाएगा मायावती पर। मायावती पर जाएगा जा एक चीज बताइए लेकिन बहन जी हम लोग भी जैसे बहन जी की कई रैलियों में जाते थे बड़ी सारी औरतें भी आती थी उनकी रैली में और बड़ा खुश होती थी जाटव समाज की बहुत औरतें हम देखे थे वहाँ लेकिन बहन जी अभी थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में बोला जाता है प्रचार के लिए लोगों के बीच में थोड़ा कम करती निकलती हैं जनसंपर्क थोड़ा कम रहता है। तो वो मायावती के वोट मांगो चाहे काव के मांगो जब मशीन में वोट पड़ेंगे तो फूले ही पे जाएंगे भैया बेईमानी तो जीत रहे मोदी तो मोदी पसंद नहीं ईमानदारी तो वो है ना सका बेईमानी भले है जाए। आइए जी आपसे बात करते हैं जी जी नमस्कार जी क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम है भैया घसीटाराम। घसीटाराम जोर से बोलिए थोड़ा सा जी। घसीटाराम जी घसीटाराम जी क्या करते हैं? हम तो भैया गांव में रहते हैं और क्या करते हैं? गांव में रहते हैं हाँ। मजदूरी करते हैं क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया मजदूरी करते हैं। 10 साल मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं सरकार? अरे 10 साल तो यहाँ नरेगा को काम ही ना मिलो कचू ना मिलो अभी तक कचू ना 10 साल तो घर ताप रहे यहाँ टोरी नहीं मिल रहा नरेगा काम मिल रहा है 4-6 आदमी नरेगा काम में तो हमें तो घर ताप रहे वहाँ पावर इंतजार देखो तो मट्टी डाले काज हमें काम ही ना मिलो और लेबर कार्ड बनवा लो हमारा हमने लेबर कार्ड हमारे में अभी तक पैसा ना आए खचू ना आओ तो लेबर कार्ड बनाने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा ना मिलो हमें तो। अच्छा हाँ जा कम में भाई तो बहु और मर गई 1 साल है गई तो महंगाई की वजह से कहाँ से आवे इतनी महंगाई कहाँ से वो करे समा तो वैसे दिमाग खराब रहते मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचता था मैं मजदूरों का दर्द समझता हूँ मजदूरों के लिए बहुत कुछ करूंगा। अरे कछू ना करो भैया मार के रख दे मोदी जी ने। अच्छा हाँ अच्छा ये बताइए जाटव समाज तो जैसे एक तरफा हाथी पर जाता था दूसरी बात किसी नेता को रैली नहीं करने देते किसी में GDLED लगा देते हैं उसको जेल पहुंचा देते हैं EDCBI वगैरह हाँ वो लगा देते हैं आप रैली करने देना रात और दूसरे नेता दूसरी पार्टी के नेता को किसी को रैली के लिए आदेश नहीं जारी किया जा रहा है तो बिल्कुल प्रशासन आप कह रहे हैं एक पक्षीय तरीके से काम कर रहे हैं और क्या जागी लाठी बताइए चल रही है ना जी जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये बताइए ये जो से खास करके आपके हाथरस में 1-2 साल पहले बहुत मीडिया हर जगह से आई थी एक बाल्मीकि लड़की के साथ बूलपुर में उसके साथ तो बहुत मीडिया तो मोदी जी ने खरीद ली ना बिल्कुल मोदी जी दूसरे सपोर्ट में कहाँ है। मेरे को ये बताइए कि जो बूलपुर की घटना हुई थी उस बाल्मीकि लड़की के साथ SC समाज में उसको लेकर आज कितनी नाराजगी है? नाराजगी तो काफी है आपकी बहन बेटी सही हमारी सही जब अपद्रता हो रही है वो तो हर किसी के लिए है आपकी सही हमारी सही बेटी किसी भी समाज की हो गलत गलत हुआ है बिल्कुल
तो प्रशासन का क्या रवैया रहा था उस मुद्दे पर? बिल्कुल बेकार है सब, बेकार है। प्रशासन तो ऐसा कर रहा है भाई साहब, कोई हमारा ये चंदपा थाना है और ये इतना मशहूर है पूरे बामे हिंदुस्तान में, ये दलाली में इतना छाया हुआ है, गरीब आदमी से लड़ाई हो जाए तो बगैर रिश्वत के पुलिस वाले बात नहीं करते और किसी नेता की मानते नहीं है। यहाँ तो ये रवैया चल रहा है थाने के अंदर। अच्छा ये बताइए, 10 साल पहले जब मोदी सरकार आई थी तो बहुत लोगों में बहुत ऊर्जा थी, बहुतों को लगा कि पता नहीं मसीहा आ गया, गरीबों के लिए बहुत कुछ करेगा, क्या आप लोगों को भी लगे था कुछ करेगा या और अब हताश हैं, आपको कभी भी उम्मीद नहीं थी? अरे तो यही नारा है, गरीबन ने भगाओ गरीबी मिटाओ, गरीबों को भगाओ गरीबी मिटाओ, और क्या जब काट रहे हो और का काट रहे हो, चक्के से काट लो गरीबी, ये काट रहे हो। मैं बीमा एक एक रुपया जोर जोर के करवा दे, कंपनी बज गई सासू, बीमा ना दिबाए अंडर में मोदी के अंडर, हां बीमा ना मिल लो सब, मोदी के अंडर में जो जितनी बीमा वाले कंपनी हथ गए सब ही नहीं के अंडर में, कोई काऊ का कछु ना। तो बीमा कंपनियों ने भी यहां धोखा किया है और का सुनिए, एक एक रुपया जोर जोर के बीमा कर करे हमने, मैं आगे को बढ़ियाते हम देखो। मोदी सरकार तो एक ही सरकार, हाँ फिर से बोलिए है, नीरव मोदी हुए, हाँ। नरेंद्र मोदी हुए, हाँ। मोदी मोदी सरकार तो एक ही सरकार है। कोई आपने बोला नीरव मोदी नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो 1000 करोड़ रुपए लेके भग गया, क्या मतलब क्या कर लिया आपने, कोई किया मोदी साहब ने? कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की सरकार है, विजय माल्या लेके भग गया 13.5 करोड़ रुपए, किसका लेके भग गया? अगले आदमी ने इतना कमा लिया 13.5 करोड़ रुपए, गरीब जनता ने क्या कमाया, सब गरीब जनता ही के पैसा है। आओ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश बेटा क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कहाँ तक पढ़े हो? इंटर कर रखी है। इंटर कर रखी है, हाँ। तो काम नहीं मिल रहा कोई? काम कहाँ है, घर ना मजदूरी चल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है, रोजगार तो है ही नहीं। कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कहाँ ढूंढे रोजगार? कई जगह अप्लाई किए, मैं कुछ मिला ही नहीं। पुलिस की भर्ती के लिए किया था अभी? हाँ किया था, कैंसिल हो गई। अब पता पड़े आगे पेपर दोबारा से होगा, ये पता नहीं चुनाव के चम रद्द हो जाए भैया, हो या नहीं हो कोई पता नहीं। या ज्यादातर आपके नौजवान या जाटव समाज से क्या करते हैं गांव में, मजदूरी करते हैं? करते हैं मजदूरी करते, हाँ। काम अभी मिलता है आराम से या? हाँ ऐसे ही मिल जाता तो करते हैं, हाँ खर्चा पानी चलता रहता है। और मोदी जी कह रहे थे कि भाई मेरी दलित समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, उनको कुछ मत करना, मेरे को गोली मार दो, कुछ किया है दलित समाज के लिए? अब ये तो मोदी जी जाने, हम तो नहीं जाने। आप तक कोई पहुँचा? हम तक कोई नहीं पहुँचा, उनका कौन पहुँचेगा। हम अभी खेड़ा परसोली गांव में हैं और जाटव समाज से बात की है। उम्मीद सबने यही करी थी कि कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में मजदूरों की बात उठेगी, कम से कम जो आज प्रधानमंत्री है उन्होंने तो यही कहा था कि भाई मैं मजदूरों की आवाज़ समझता हूँ, मैं खुद चाय वाला था। लेकिन हर जगह आप जाएं मजदूरों की एक ही शिकायत, महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार के जो बहुत सारे अवसर हैं वो बंद हो गए हैं। 69,000 नौकरियों की वैकेंसी खुली थी, वो पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर बहुत आज नाराज़गी है नौजवानों में। गांव-गांव में आपको यही नाराज़गी सुनने को मिलेगी। चुनाव में के नतीजे क्या होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है जो भी सरकार आएगी इन निम्न मुद्दों पर ज़रूर गौर करेगी। CCA के साथ आप जुड़े रहें, धन्यवाद।